अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। 10 विधानसभा के हिसाब से, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ जो है नाइंसाफी वाला काम किया है, क्या ये बात सही है? देखिए, जहाँ तक संगठन की बात है, संगठन के लोगों से मेरी ये अपील है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो लड़ाई है, बहुजन समाज की जो लड़ाई है, बहुजन समाज पार्टी की जो लड़ाई है, वो असल में एक मूवमेंट की लड़ाई है। हम राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ते, हम एक मूवमेंट की लड़ाई लड़ते हैं, और मूवमेंट के अगर आप खिलाफ जाते हैं तो निश्चित तौर से वो लोग समाज के खिलाफ गए हैं, पार्टी के खिलाफ नहीं गए हैं। पार्टी 5 साल बाद में दोबारा आएगी, निश्चित तौर से बहुत अच्छा करेगी। उससे पहले दिल्ली में जो है विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा में पार्टी अच्छा करेगी। पार्टी राजनीतिक तौर पे कहीं पे भी पिछड़ी नहीं है। आज भी पार्टी के पास इतने सांसद हैं और इतने सांसद आए हैं पार्टी के कि पार्टी अपने स्टैंड पे कायम है। लेकिन जो समाज के साथ गलत करा है, समाज के लिए गलत करा है, जो संगठन के साथ इन लोगों ने गलत करा है, निश्चित तौर से वो बहुत दुर्भाग्य का विषय है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को जो हम रोज बात करते हैं, बाबा साहब की जयंती में भी करते हैं, बुद्ध जयंती में भी करते हैं, जहाँ पर भी समाज की मीटिंग होती है, सब जगह पहले सबसे पहले समाज की बात करते हैं, सामाजिक तौर की बात करते हैं। अगर हम उस बात पर जाएँ और अगर उससे लोग सच दिल से जुड़े हुए हैं तो जो उन्होंने करा, मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने मेरे साथ गलत करा है, बहुजन समाज पार्टी के साथ गलत करा, उन्होंने निश्चित तौर से अपने साथ गलत करा, अपने समाज के साथ गलत करा, अपने बच्चों के लिए गलत करा। जो भी वो करते हैं निश्चित तौर से, जो हमारे साथ राजस्थान में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में हुआ, जो हमारे साथ महाराष्ट्र में हुआ, जो आए दिन हो रहा है, वो निश्चित तौर से रोज रोज होगा। जब लोगों को ये पता लग जाएगा कि हम 85% से अगर बोलते हैं, हम 0.85% भी हैसियत नहीं रखते हैं वोट की, निश्चित तौर से हमारे साथ ये होता रहेगा। हमारा मूवमेंट जो है वो यही कहता है, हमारा उद्देश्य यही कहता है कि हम समाज को इकट्ठा करें और समाज को इतना ताकतवर करें कि समाज उन चीज़ों से लड़ सके, उन चीज़ों को देश और दुनिया को समझा सके कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, संविधान के अनुरूप नहीं हो रहा है, संविधान के अनुसार नहीं हो रहा है। जो भी इस देश में आदमी रहता है, कोई नागरिक है, इस देश का नागरिक है, चाहे वो जेंट्स है या लेडीज है या बच्चा, वो हर आदमी ये चाहता है कि संविधान के अनुसार इस देश में कार्य होना चाहिए, जो कि अब नहीं हो रहा है। और इस सरकार में 5 साल में नहीं हुआ तो आप उम्मीद रखिए कि निश्चित तौर से आने वाले 5 साल में भी नहीं होगा। जो हम पहले से भुगतते आ रहे हैं, शायद उससे ज़्यादा हमें भुगतना पड़ सकता है। इसलिए उन लोगों से मेरी एक विनती है और ये सलाह भी है कि वो समाज के साथ आए, समाज के लिए काम कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के लिए नहीं कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ उनके समाज को ही रिप्रेजेंट करती है, उस समाज की बात को ताकत के साथ पार्लियामेंट और विधानसभा में रखने की ताकत है। अच्छा राजवीर जी, आप लगभग आपको 28,000 वोट के लगभग मिले, तो क्या लगा आपको कि कहाँ कमी रह गई, किस पैटर्न पर काम करने की ज़रूरत है अगर आप आगे भी चुनाव लड़ते हैं, और क्या लगा कि जो कमियां थी वो किस तरह की कमियां रही? लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि जो समाज का मेरे को प्यार मिला और जो समाज में मैंने उत्साह देखा, मेरे को इतना जरूर था कि इस बार पूरा समाज जो है वो मेरे साथ है, पूरा समाज एकजुट है और निश्चित रूप से समाज एकजुट था। लास्ट वाले दिन 12 तारीख को सुबह इन लोगों को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने फ़ोन बंद कर दिए, जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने फ़ोन बंद कर दिए, जो कोऑर्डिनेटर हैं लोकसभा के उन्होंने अपने फ़ोन बंद कर दिए, पूरे दिन उन लोगों ने फ़ोन बंद रखे। अगर वो लोग फ़ोन बंद रखेंगे, अगर वो लोग वहाँ नहीं आएंगे, फील्ड में बूथ में नहीं आएंगे, तो आप किसी से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो वोट देने आएगा वो बहुजन समाज पार्टी को वोट देगा? निश्चित तौर से वोट नहीं पड़ने का ये कारण रहा होगा सबसे बड़ा, क्योंकि जो पदाधिकारी हैं, जो मेन पोस्ट में बैठे हैं, वो लोग वहाँ से नजारा थे, उनके फोन स्विचों से अगर कोई आदमी उनसे बात करना चाहे, सलाह करना चाहे, कोई भी हमारा वोटर या समाज का आदमी, तो उनसे नहीं कर सकता। मैं एक एक बूथ पे गया, इसीलिए गया कि मेरे को मालूम था कि ये लोग अपना फोन बंद कर चुके हैं, अपने अपने घर में जाके सो चुके हैं, बाहर सोचे, बाद में मेरे को पता लगा कि इनमें से एक भी आदमी घर पर जाके नहीं सोया था, फील्ड में ही ग्राउंड में था, लेकिन जहाँ पे थे वो गलत जगह पे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे समाज की बदनामी हुई है, परिवार की बदनामी हुई है, संगठन की बदनामी हुई है, फिर बार बार करूँगी, बहुजन समाज पार्टी की बदनामी नहीं हुई है। बहुजन समाज पार्टी पहले जहाँ स्टैंड करती थी, आज भी वहीं करती है, आगे भी निश्चित तौर से वहीं करेगी। हम पूरी ताकत के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ लगे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी इस बार आई तो अगली बार निश्चित तौर से यहाँ सत्ता में आएगी। जैसे कि आपने कहा गया है कि आप एक पैरासूट से उतर के आए थे, तो पदाधिकारियों का कहना है वो
पैरासूट किसको कह रहे हैं वो तो पदाधिकारी ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। मेरा जहाँ तक मानना है, आप लोगों ने भी इतने दिन से देखा है, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जिस आदमी ने भी मन में ये शंका थी या ये अगर ऐसा सवाल था तो उसको निश्चित तौर से मेरे से करना चाहिए था। क्योंकि पैरासूट मैंने आज तक नहीं ये सब सुना कि पैरासूट होता क्या। जब पार्टी प्रमुख खुद ये कह रहे हैं, अपने बयान में मेरा नाम लेके कह रहे हैं कि मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही कब से हूँ और बहुजन समाज पार्टी के लिए क्या काम करता हूँ या क्या काम कर सकता हूँ, तो मेरे को नहीं लगता कि पैरासूट सब आना चाहिए। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों ने समाज का नुकसान कराया, अपनी आने वाली पीढ़ियों का नुकसान। लालवीर सिंह जी 10 तारीख तक बहुत अच्छे मतों से जीत रहे थे, क्या कारण रहा कि 11 तारीख को टाइम 10:00 पे एक वीडियो वायरल होती है कि भाई मैं राजवीर सिंह बोल रहा हूँ, आपने सुना? और उस आवाज़ को भी आपने सुना? अभी तक उसका क्लेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, वो आवाज़ किसकी थी, क्यों ऐसा किया गया? देखिए, उसमें अभी तक जो हमारे बड़े पदाधिकारी हैं उनसे मेरी बात नहीं हुई है। FIR कराने के लिए हमने उनको बोला था, FIR शायद एक हो भी गई है या नहीं हुई, अभी तक हमारे को उसकी कॉपी नहीं मिली है। लेकिन जो भी ये हुआ, ये मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब लोग बहुजन समाज पार्टी के सिपाही इसलिए नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, हम बहुजन समाज पार्टी के सिपाही इसलिए हैं, बहुजन समाज पार्टी के लिए शायद इसलिए है कि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसा हमारा प्लेटफॉर्म है जो इस समाज की बात को ताकत से रख सकती है, देश के पटल पे, संसद के पटल पे और विधानसभा के पटल पे। और बहुजन समाज पार्टी ने एक बार नहीं 3 बार दावा किया कि जब बहुजन समाज पार्टी आई है देश में संविधान के अनुसार काम हुआ है, उसको मुस्लिम समाज भी बहुत अच्छे से जानता है, हमारा समाज भी जानता है, पूरा देश जानता है कि उस बीच में जो फैसले आए उनके ऊपर क्या रिएक्शन रहा पब्लिक का, और उसके बाद जो छोटे छोटे भी अगर काम हुए, चाहे गौशाला बंद करने का काम हुआ हो या जहाँ पे जानवर काटते हैं उनको बंद करने का काम रहा हो या किसी मंदिर की बात रही हो या किसी समाज विशेष की या किसी धर्म विशेष की बात रही हो, वहाँ पे मारकाट मची है, लोग मरे हैं, लोग जेल में गए हैं, लोगों के हाथ पैर टूटे हैं, बहुजन समाज पार्टी के शासन में एडमिशन क्वेश्चन से भटक गए हम कि जो 11 तारीख को जो कंप्लेंट की बात हुई थी और पदाधिकारियों ने भी कहा था भी हम कंप्लेंट करेंगे, FIR करेंगे, उसको मीडिया के सामने ना तो अभी तक आपने बताया ना ही पदाधिकारियों ने बताया, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुई है उसके संबंध में बताया। देखिए, उसके संबंध में मैं यही कह रहा हूँ कि निश्चित तौर से जो हमारे बड़े पदाधिकारी हैं उनको उस पर काम करना चाहिए। मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि मेरे मुँह से ये कहना अच्छा नहीं लगता है, इसका क्या रिजल्ट रहा क्या नहीं रहा, ठीक है, निश्चित तौर से उनको बताना चाहिए। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, ये बात अपनी जगह है, लेकिन वो पार्टी के यहाँ पे दिल्ली प्रदेश में सीनियर पदाधिकारी हैं, उनको इस पर खुल के बात करनी चाहिए, समाज को ये बात क्लियर करनी चाहिए कि वो मैसेज कहाँ से आया, जो चला, क्या उस मैसेज का समाज पे भी फर्क पड़ा। अच्छा राजवीर जी, एक बात बताइए कि आपका जो नाम है वो डिक्लेयर किया गया कि आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे बसपा कैंडिडेट के रूप में, तो क्या उस समय से लेकर जो बूथ कमेटी है उसके कार्यकर्ता तक आपके नाम की पहचान होना इतना समय कम नहीं था कि आपके नाम तक की बूथ कमेटी के जो कार्यकर्ता उस तक की पहचान नहीं हो पाई, तो इसका भी आप कुछ मानते हैं कि ये भी एक बड़ा समीकरण रहा? नहीं, नहीं। बूथ कमेटी के लास्ट मेंबर तक मेरे नाम को मेरी पहचान थी। मैं संगठन के हर आदमी से मिला, हर जगह मिला, अपनी लोकसभा के लिए मैं दिल्ली में हमारे जितने पदाधिकारी हैं करीब करीब मैंने दिल्ली की मीटिंगें भी अटेंड करी, सब लोगों से मिला। समाज का एक भी आदमी इस लोकसभा में ऐसा नहीं है, बहुजन समाज का कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं है जो मेरे को शकल से परिचित नहीं हो, मेरे नाम से परिचित नहीं हो। बहुजन समाज पार्टी का ऐसा कोई वोटर नहीं है जो मेरी शकल से और मेरे नाम से परिचित नहीं हो। ये बात बिल्कुल गलत है कि अगर कोई ऐसा कह रहा है शायद इस वजह से नहीं, ये कहना नहीं, ये एक आंकलन था कि इस तरह का जो आप पहुँच नहीं पाए या समय कम रह गया कि जो प्रचार प्रसार का होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। मैं मेरा कहने का मतलब प्रचार प्रसार की और वो बात नहीं, मेरे प्रचार प्रसार में हमारे कोई कमी नहीं है, हमारे लोग हैं, सब लोग जानते हैं, सब नहीं, जब इतना जनसमूह था लेकिन वोट में तब्दील क्यों नहीं हो पाया? सबसे बड़ा सवाल ये तब्दील नहीं हुआ, उसके लिए जब भी सेक्टर कमेटी बैठेगी दिल्ली की, ठीक है, वो निश्चित तौर से कोई ना कोई निष्कर्ष में पहुँचेंगे, वो देखेंगे या देख भी रहे होंगे, 2 दिन से मेरी मुलाकात नहीं हुई है तो जरूर देख रहे होंगे कि भाई कहाँ पर हमारे से चूक हुई, उस चूक को निश्चित तौर से ढूंढेंगे। लेकिन मेरी दिल्ली समाज से एक अपील है कि बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी होने के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी का वो प्लेटफॉर्म है जो इस समाज की बात को बहुत ताकत से संसद के पटल पे, देश के पटल पे और विधानसभा के पटल में, पूरे देश में और दुनिया में कहीं भी रखने में सक्षम है, क्षमता रखता है। और निश्चित तौर से
जो जितने देश में मैंने देखा है, जितने लोगों को मैंने पढ़ा है, जितने लोगों को मैंने समझा है, जितने भी पार्टियों में हमारे नेता हैं या कोई भी संगठन है छोटा बड़ा, कोई भी आदमी है, वो अपनी ताकत से उस बात को नहीं मनवा सकता है समाज की। तो जिस ताकत से बहुजन समाज पार्टी मनवा सकती है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो था वो 2 अप्रैल वाला था कि 2 अप्रैल में राजस्थान और मध्य प्रदेश में जितने हमारे समाज के बच्चे बंद हुए इलीगल तरीके से, उससे पहले जो भारत सरकार चल रही थी उसमें भी हमारे समाज के बहुत सारे नेता थे, अभी भी हैं, जो अभी नई सरकार बनी है उसमें भी हैं, जो पहले थे वो लोग दिल्ली सरकार में भी हैं और सरकारों में भी निश्चित तौर से होंगे, लेकिन वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। जैसे वहाँ इलेक्शन हुआ और जब हमारे MLA जीत के आए, निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी ने पहला काम ये करा कि आपको समर्थन देने के या नहीं देने के बारे में बाद में डिसाइड होगा, पहले आप हमारे बंदों को जमानत नहीं करनी, आपको उनके केस खत्म करने और दोनों स्टेट में निश्चित तौर से उनके केस खत्म करने। सर मेरा एक क्वेश्चन वहीं पर ही आ जाते हैं, आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि 11 तारीख को सभी लोगों के फोन बंद हो गए थे, क्या आप उन लोगों के नाम खुलासा कर सकते हैं? और दूसरा ये कि जो लोग बूथों पे नहीं पहुंचे थे, क्या उनका भी कारण यही था कि कुछ पैसे की खरीद फरोख्त हुई है? देखिए, आपकी बात का पूरा जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन एक छोटा सा जवाब है मेरे पास कि माननीय साहब ने भी कहा था, बाबा साहब ने भी कहा था कि इस समाज का आदमी अगर पैसे के लिए, बहुजन समाज का आदमी अगर पैसे के लिए अपने वोट को रोकता है या कहीं दूसरी जगह डालता है, तो निश्चित तौर से वो अपनी बहन बेटी का सौदा कर रहा है। लोग ये क्यों बोल गए, मेरे कुछ बारे में कुछ नहीं कहना। राजवीर सिंह जी, बहुत अच्छी बात, जिस तरीके से बहन जी के पास फोन गया कि इस तरीके से जो कॉल आई है कॉल पर गया, बहन जी ने सीधा कहा था उसके खिलाफ़ FIR कराओ, इस कॉल के खिलाफ़ FIR कराओ, लेकिन अभी तक जो FIR की बात बहन जी तक पहुँच गई है कि FIR नहीं हुई है? वो बात बहन जी तक पहुँच गई, इसी FIR अभी तक। आप उसमें केजरीवाल जी का नाम ले रहे हैं, जो ये कॉल आई है उस कॉल की रिकॉर्डिंग में आपने केजरीवाल जी का नाम लिया है, और जब छानबीन की गई तो उसमें केजरीवाल जी की आवाज़ नहीं है, कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके ही DSP दिल्ली के जो अधिकारी हैं उनमें से किसी एक की आवाज़ है अधिकारी? वो तो अभी जो है सब्जेक्ट वेरिफिकेशन है, लेकिन जहाँ तक मेरा बात है कि मैंने केजरीवाल जी का नाम क्यों लिया, मैंने केजरीवाल जी का नाम इसलिए लिया कि जो ऑडियो वायरल हुआ उस ऑडियो में ये बोला गया कि बहुजन समाज पार्टी ने और राजवीर सिंह ने जो है समर्थन आम आदमी पार्टी को दे दिया। आम आदमी पार्टी के तो मुखिया जो है वो निश्चित तौर से केजरीवाल जी, इसलिए मैं केजरीवाल जी को तब भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ कि अगर केजरीवाल जी सच में ही इतनी ताकत रखते हैं, सच में ही इतनी ताकत रखते हैं कि उनको समर्थन लेना है, तो एक बार मेरे सामने आए, मेरे सामने आके बात करें, उनको पता लगेगा कि वो समर्थन ले सकते हैं कि मैं समर्थन ले सकता हूँ। आपसे दावे से कहता हूँ कि अगर बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ एक शब्द भी अगर कोई आदमी बोलेगा, मैं फिर मीडिया के माध्यम से ओपन ये बात बोल रहा हूँ, उस आदमी को निश्चित तौर से सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस ही ले जा सकते हैं, वो अपने पैरों पर चल के नहीं जाएगा। जहाँ तक बात है आप जो सवाल उठा रहे हैं वो सब्जेक्ट वेरिफिकेशन है, अगर उस चीज़ की वेरिफिकेशन में कोई भी नाम निकल के आएगा तो पार्टी प्रमुख निश्चित तौर पर उस पर कोई ना कोई कड़ा एक्शन लेंगे, और पूरे समाज में और पार्टी में ये मैसेज जरूर जाएगा कि पार्टी के खिलाफ काम करने वालों पे जो एक्शन आज तक हुआ है पूरे देश में, जो एक्शन आज तक हुआ निश्चित तौर से इस पर भी पार्टी वही एक्शन लेगी। बहन जी से आपके जो संबंध है वो भी निश्चित तौर पर आ रही है क्या? आपकी हार बहन जी से मेरे संबंध की बात है, मेरे संबंध में इस हार से और जीत से दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहन जी को मालूम है कि मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूँ, बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करता हूँ, उसके अलावा ना मैं कोई काम करता हूँ ना मैं कुछ सोच सकता हूँ, मेरे संबंधों में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे को इस बात का दिल्ली के पदाधिकारियों को तो शायद इस बात का फर्क पड़ा है कि आपके बहन जी से अच्छे संबंध है, अब वो पदाधिकारी ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, या जब भी इनका कोई इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें निकल के आएगी बात तो उसका एक्शन लिया जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ तो पार्टी इसका सबूत आपने ये भी दिया कि उनके फोन बंद थे, रस्ते नहीं गए, सर मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा जिस तरह से गाजीपुर में देखा गया कि जब वोटिंग पड़ने के बाद EVM की बाहर जो लोगों ने धरना दिया, हाजी जो जीते हैं अभी हाल ही में, उन्होंने क्या किया था, बोले जो जहाँ पर EVM रखी गई थी वहाँ धरना दिया, उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो वो जीत जाते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि तमाम 2-3 जगह ऐसे केस सुनने को मिले थे, क्या EVM पर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगता है आपके हिसाब से? मैंने आपको अभी भी कहा कि जब हम पूरे देश में घूमे हैं
पूरे देश का जो सोशल मीडिया देखते पढ़ते समझते और सुनते हैं उसके हिसाब से, और जो मैं अपनी लोकसभा में घूमा हूँ उसके हिसाब से, मैं आज भी कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो देश का जनमानस है वो 60% उनके खिलाफ जाता है। उसके बावजूद अगर उनकी 300 से प्लस सीटें आ रही हैं या 250 से प्लस आ रही है, 350 से प्लस आ रही है, तो निश्चित तौर से उस पर प्रसन्न चीन लगता है कि ये जनमानस जो है जनमानस का दिया हुआ नहीं हो सकता। जिस तरह से उन्होंने धरना दिया, इस तरह से ऑल सभी सीटों पर अगर इस तरह की अगर पहले से जागरूकता होती तो शायद कुछ परिणाम अलग होते। परिणाम अलग नहीं हो सकते क्योंकि अगर इसमें कुछ हुआ होगा तो निश्चित तौर से वोट से पहले हुआ होगा। वोट तो जो है हो गया। ठीक है, लास्ट में चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने समाज से, बहुजन समाज से ये अपील करना चाहता हूँ, जो मैं बार बार बोलता हूँ, यही फिर बोलता हूँ कि आप निश्चित तौर से संगठित रहें, बहुजन समाज पार्टी के साथ रहें। बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है समाज के लिए जो आपकी बात को पूरे देश में पूरी ताकत के साथ रख सकती है, समाज के लिए जो हित के कानून निश्चित तौर से फ्रंट के आगे अगर कोई कर सकता आज की तारीख में तो बहुजन समाज पार्टी है, वो कर सकती है। जहाँ तक रिजल्ट का है, रिजल्ट आपने जो मैंडेट मेरे को दिया वो मेरे को मिला, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। दिल से आपका आभारी हूँ कि आपने इतना प्यार दिया, मैं हमेशा आपके बीच में हूँ। जब आप चाहें जहाँ आपको मेरी जरूरत लगे वहाँ प्लीज आप मेरे को बुलाइए, मैं 24 घंटे आपके लिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत ठीक है सर, थैंक यू सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।